हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर जो बैंकिंग का है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं उसके बारे में बोल रखा है। तो हमारी कंट्री में जितने भी टाइप्स के बैंक्स हैं उनके वेरियस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये बैंक इस तरह का बैंक है। जिसके इसके अंदर जो पहला हमारे को बोला गया है वो ओनरशिप के बेसिस पे बोला गया है। ओनरशिप के बेसिस पे हम ये बात कर सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जो पब्लिकली ओन होते हैं, लाइक इसकी गवर्नमेंट के द्वारा उनको रन किया जा रहा है। वो बैंक गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं। जैसे इसके अंदर बोला गया है कि इन इंडिया 20 बैंक्स 14+6 वर नेशनलाइज इन 1960 एंड 1980। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे दो दो इयर्स जो यहाँ पे दे रखे हैं 1969 और 1980, इसमें 14+6 बैंक का नेशनलाइज हुआ था। पहले ये सब प्राइवेट बैंक थे, आफ्टर दैट इनको हमने क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। ऑल दीज बैंक्स आर नाउ बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर कैटेगरी, सोशल वेलफेयर इन देयर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। तो जो ये इंदिरा गांधी ने इसको जो नेशनलाइज किया था, तो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या था कि जो बैंक्स थे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए सर्विस सेक्टर को और अदर फील्ड के अंदर जो पैसा प्रोवाइड करवा रहे थे। बट क्या होता है कि जब तक प्राइमरी सेक्टर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर इसको पैसा नहीं मिलेगा, इसको फंडिंग नहीं होगी, इनको फंडिंग ना होने पे क्या होगा, उसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई इंदिरा गांधी ने डेवलपमेंट के लिए कि प्रॉपर इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि किसी एक साइड पे ही ना बेनिफिट मिलता रहे, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 14+6 बैंक्स थे जो अलग अलग ईयर में कांग्रेस की सरकार थी, तो 1969 और 1980 के अंदर इन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया, और जिससे कि अब ये गवर्नमेंट के हाथों में कमांड आ गई थी इन बैंक्स की। तो इन जो पॉलिसी होती थी उसके अकॉर्डिंग इनको अपना लोन देना पड़ता था। तो ये जितने भी बैंक्स आज आप देख रहे हैं जो लोग भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे इन बैंक्स के अंदर, तो ये सब गवर्नमेंट बैंक्स ही हैं। प्राइवेट बैंक्स हमारी कंट्री में हैं बहुत सारे, बट आप उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। अब उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, ये भी आपके सामने आ चुका है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो होते हैं, वो बैंक होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वेरियस बैंक इन द कंट्री, विजय बैंक बिलोंग टू देयर कैटेगरी एंड इंडिविजुअल हैज़ कंट्रोल ओवर दीज बैंक। इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है इसके ऊपर, जो शेयर है बैंक के अंदर वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होता है। तो ये प्राइवेट लोगों के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। इनको आरबीआई से इनको लेना पड़ता है लाइसेंस वगैरह। तो बट ये अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इनकी ओनरशिप बेसिस, प्राइवेट लोग चलाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे, गवर्नमेंट चलाएगी, गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक की, पब्लिक गवर्नमेंट कंसर्निंग है एक दूसरे से, तो ये पब्लिक बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएंगे। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर हम बात कर देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल के ग्रुप्स के द्वारा चलाया जाता है, जिनका इक्वल शेयर होता है इन बैंक्स के अंदर। एंड द अफेयर ऑफ ए बैंक आर मैनेज बाय इट्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के द्वारा ही इनको सब बैंक के सब कामों को मैनेज किया जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में, और सब काम म्यूचुअली एग्रीमेंट से होता है। और इनका जो क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनका म्यूचुअल हेल्प करना ही एक दूसरे का मोटिव होता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, म्यूचुअली जो एक दूसरे की हेल्प करना मेंबर्स की, वो कोऑपरेटिव बैंक्स के प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। तो ऐसे पूछा आ सकता है सरसन रीजनिंग के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक्स इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइक कोऑपरेट करना मेंबर्स को, म्यूचुअल हेल्प करना एक दूसरे को। तो ये बिल्कुल राइट है, इसी कारण से इनको खोला जाता है। और नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग टू लॉ के अंदर शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, शेड्यूल कौन से होते हैं? शेड्यूल वो होते हैं जिनको हमने लॉ के द्वारा ऑलरेडी इन्हें डिस्क्राइब कर दिया कि आपकी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, आपका इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। जो लॉ के अंडर चल रहे हैं उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। शेड्यूल्ड मतलब किसी शेड्यूल्ड मतलब लाइक इसकी एक रूल एंड रेगुलेशन के अंडर आ जाना। तो दीज बैंक्स हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 5 लैक्स, 5 लैक्स कम से कम कैपिटल इनकी होनी ही चाहिए। दीज आर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी और ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। दीज बैंक्स फाइंड देयर मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक। ये रिजर्व बैंक के
अंडर ही काम करते हैं और मेंशन होते हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको जो भी यहाँ पर बोलता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको अंडरलाइन कर लेना है या फिर उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, क्योंकि पेपर में आपको वही क्वेश्चन वहीं से आते हुए दिखेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नॉन शेड्यूल बैंक्स। नॉन शेड्यूल बैंक्स ऑल्सो कॉल्ड लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह, देखिए हम इसके अंदर कुछ भी अपना नहीं बता सकते, जैसा इसमें लिखा हुआ है हमें वैसा ही इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर में आता है वो बिल्कुल यहीं से ऐसे ही उठ के आएगा, तो हमें इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं ले सकते, ये सीधा सीधा ही बताना पड़ेगा। तो ये लोकल एरिया बैंक कौन होते हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी। हाउएवर दे आर लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए हमारे यहाँ पे जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो ऊपर वाले बैंक हैं, तो इनको भी, नॉन शेड्यूल भी इनके अंडर लाइसेंस इनको दिया जाता है, बट ये रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह होते हैं। वो जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो बैंकिंग कंपनी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होते हैं। तो दीज बैंक आर नॉट मैंशन इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक। ये शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल के अंदर, रिजर्व बैंक के अंदर नहीं इनको मैंशन किया होता। इनकी पेड अप कैपिटल दीज बैंक की लेस देन 5 लाख, इनकी 5 लाख से लेस ही होती है इनकी कैपिटल। दीज नंबर ऑफ सच बैंक्स इज ग्रेजुअली फॉलिंग इन इंडिया। ये बहुत कम है यहाँ, बहुत कम, बहुत ही चुनिंदा सी जगहों पर हैं ये। देयर नंबर ऑफ सच बैंक इज ग्रेजुअली फॉलिंग इन इंडिया। देयर आर ओनली 4 सच बैंक एट प्रेजेंट। 4 बैंक ही हैं, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कृष्णा बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। चलिए यहाँ पे देखते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कमर्शियल बैंक्स टोटल 93 हमारे बैंक्स हैं कमर्शियल। इन कमर्शियल बैंक्स रेफर टू द बोथ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। कमर्शियल बैंक रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कमर्शियल बैंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। दीज आर द बैंक विच डू बैंकिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू गोल्डफील्ड एंड कैंडलर द टर्म कमर्शियल विद रिगार्ड टू दीज बैंक रेफर टू ए कमर्शियल लोन थ्योरी। जिसके जो लोन देते हैं बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, ये कमर्शियल लोन थ्योरी है। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, कमर्शियल लोन थ्योरी। ये जो है ये थ्योरी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ये होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन दी एसेट ऑफ ए बैंक्स आर इंक्लूडेड शॉर्ट टर्म लोन फॉर शॉर्ट पीरियड। इन द वर्ड्स ऑफ कार्लस्ट्रॉन, कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशन दैट मेक शॉर्ट टर्म लोन्स टू बिजनेस एंड इन द प्रोसेस क्रिएट मनी। अकॉर्डिंग टू रीड एंड गिले, कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड मेक कमर्शियल लोन्स एंड इट एंड इज़ रेगुलेटेड बाई ए बैंक रेगुलरी एजेंसी। तो इन इन सब चीज़ों को पढ़ के आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि कमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं। अकॉर्डिंग टू इनकी जो थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कमर्शियल बैंक किस बेस पे चलते हैं, कमर्शियल लोन थ्योरी। और उस लोन थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है कि जो हम बैंक की एसेट्स होती हैं, बैंक जो पैसा प्रोवाइड करता है उसे दो तरह से डाल के रखता है, शॉर्ट टर्म लोन्स देता है वो शॉर्ट पीरियड में रखता है, एंड लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग लॉन्ग रन में रखता है। तो ये सब कमर्शियल बैंक्स करते हैं। आगे आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जैसे देखिए इसके अंदर बोल रखा है गोल्ड फील्ड एंड कैंडलर के अनुसार, इट इज़ द रॉन्ग एज वेल एज कन्फ्यूजिंग टू कॉल दीज बैंक्स एज ए कमर्शियल बैंक। दिस इज़ द बिकॉज ऑफ ए टू रीज़न। फर्स्ट, दीज बैंक ऑल्सो गिव ए लॉन्ग पीरियड लोन टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेकेंड, मैनी अदर इंस्टीट्यूशन हैव ऑल्सो कम अप विद गिव ओनली शॉर्ट पीरियड लोन। द प्रिंसिपल फंक्शंस लाइक मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दीज बैंक डू नॉट इशू नोट्स बट क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दीज बैंक्स। कैंडलर देयर फॉर मेंटेन दैट इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल दीज बैंक्स एज ए चेक डिपॉजिट बैंक्स, बट
देयर करंट एंड पॉपुलर नेम इज ए कॉमर्शियल बैंक। दज ए कॉमर्शियल बैंक इज ए बैंक विच डील इन मनी एंड क्रेडिट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। आगे आते हैं हमारे फॉरन बैंक। फॉरन बैंक के बारे में आपको सबको पता होगा, फॉरन बैंक के अंदर सिर्फ एक ही बात अलग होती है, इन्हें कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है अलग से। आरबीआई इनके लिए अलग से नॉर्म्स बनाता है। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो फॉरेन कंट्री के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुए हैं, मतलब वहाँ पे वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग बने हैं, पर बिजनेस करने के लिए हमारी होम कंट्री में वो आए हैं, उनके लिए ये फॉरेन कंट्री होता है। तो हम बाहर की कंट्री से जो लोन बैंक यहाँ पर आके वर्क करेंगे तो वो फॉरेन बैंक्स कहलाएंगे। और ये बैंक्स बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों, जैसे इनकी ब्रांचेज यहाँ हैं और वहाँ भी हैं, ग्लोबली ये काम कर रहे हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ देते हैं, क्रेडिट कार्ड और ट्रैवल चेक और करेंसी एक्सचेंज, ये सब कुछ इसके अंदर ये करते हैं। और उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक कौन से होते हैं, सिंपली आप इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ना बात करते हुए, दोज बैंक्स वो होते हैं जो ऑफर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लॉन्ग टू इंडस्ट्री, ऑल्सो वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट। दीज बैंक हेल्प इंडस्ट्री इन द सेल ऑफ देयर डिवेंचर बॉन्ड शेयर्स। बैंक्स थीम सेल्फ परचेज द शेयर्स एज वेल द अंडर राइटिंग द डिवेंचर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल बैंक गिव लोन टू द इंडस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ द लैंड एंड मशीनरी। इन इंडिया मैनी इंडस्ट्री बैंक हैज़ बीन एस्टेब्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, IFCI, SFCI, ये सारे बैंक जितने भी हैं, ये IDBI, IFCI और SFC, ये सब जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल बैंक हैं जो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं लोन लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक्स आर दोज बैंक विच गिव क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। शॉर्ट पीरियड लोन आर गिव टू द फार्मर फॉर द परचेज ऑफ सीड, फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट। लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें दिया जाता है, जैसे मेकिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट लैंड। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRB बैंक्स डील करते हैं इनको शॉर्ट पीरियड के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक एट ए विलेज लेवल, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द तहसील लेवल, कोऑपरेटिव यूनियन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द स्टेट लेवल। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शन इन इंडिया टू फुलफिल एग्रीकल्चर क्रेडिट्स नीड एट द नेशनल लेवल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया टू फुलफिल एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड्स एट नेशनल लेवल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश। अभी जो हमने इसे पूरा रीड किया है, एग्रीकल्चर बैंक्स डिफरेंट टाइप के स्टेजेस पे काम करते हैं। तो पहला इसने बोला शॉर्ट पीरियड लोन जो फार्मर को दिया जाता है, और लॉन्ग पीरियड लोन जो दिया जाता है शॉर्ट टर्म वाला सीड्स के लिए और लॉन्ग टर्म वाला परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए, किसकी, लैंड की। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRB बैंक्स डील करते हैं शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है, जो शॉर्ट टर्म का लोन देते हैं वो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRB बैंक्स होते हैं जो डील करते हैं शॉर्ट पीरियड लोन्स के लिए, वाई लॉन्ग पीरियड लोन्स के लिए, एडवांस के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। एट द विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, प्राइम विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। उसके अलावा तहसील लेवल पर कोऑपरेटिव यूनियंस होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और नेशनल लेवल पर नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये सब के सब क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, गाँव के बेस पर, शहर के बेस पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो ये सब के सब अलग अलग, इनके नेम मैंने आपको बता दिए, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं सेविंग बैंक। सेविंग बैंक कौन से होते हैं, दीज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दीज बैंक्स इज टू कलेक्ट स्मॉल सेविंग अक्रॉस द कंट्री एंड पुट देम टू द प्रोडक्टिव यूज़। सेविंग इकट्ठी करना और उनको आगे यूटिलाइज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैंक ये बैंक करते हैं। दीज बैंक शोन द मार्क डेवलपमेंट इन द जर्मनी एंड
दीज बैंक हैव शोन मार्क्ड डेवलपमेंट इन जनवरी जर्मनी एंड जापान. सेविंग बैंक्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश इन द हैम्बर्ग सिटी इन जर्मनी इन 1765. इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस फंक्शन एज ए सेविंग बैंक. एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पोस्ट ऑफिस जो है वो फंक्शन कैसा कर रहा है, सेविंग बैंक के जैसा, जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं उनके जैसा काम कर रहा है. उसके बाद होती है इंडिजियस बैंक. इंडिजियस बैंक वो होते हैं जो बैंक फाउंड देयर ओरिजिन इन इंडिया. दीज बैंक्स मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस. महाजन, रूलर, मनी लेंडर्स, ज्वेलर्स हैव बीन फोर रनर्स ऑफ दीज बैंक्स इन इंडिया. दीज एजेंसी डू देयर बैंकिंग बिजनेस विद देयर ओन फंड्स. इवन दीज डे नियरली 40% ऑफ एग्रीकल्चर लोन आर ऑफर्ड बाई इंडिजियस बैंक इन इंडिया. नोट कर लीजिए, 40% एग्रीकल्चर लोन्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं इंडिजियस बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. इंडिजियस बैंक होते कौन से हैं, महाजन, रूलर, मनी लेंडर एंड ज्वेलर्स हैव बीन फोर रनर ऑफ दीज बैंक्स ऑफ इंडिया. उसके बाद आते हैं सेंट्रल बैंक. ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आरबीआई बैंक होता है, अपेक्स बैंक होता है, करेंसी और नोट वगैरह इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और बैंकों को रेगुलेट करता है. जो रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके अकॉर्डिंग ये उन्हें संभालता है, उनकी देख रेख करता है, और करेंसी और अदर करेंसी से रिलेटेड मैटर, फॉरेक्स मैनेजमेंट, ये सब ये बैंक करता है. और हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. तो चलिए, ये आज का हमारा टॉपिक था. इसमें मैंने टाइप ऑफ बैंक्स बता दिए. इसके अलावा टाइप ऑफ बैंक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ये टोटल टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ बैंक्स में बेसिस ऑफ ऑनरशिप, बेसिस ऑफ लॉ, बेसिस ऑफ फंक्शन, और ये सब बैंक्स मैंने आपको बता दिए और बिल्कुल डीपली से बताए हैं. इनके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलने वाला. यही टाइप्स हैं, ये कर लीजिए. आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो नहीं